है एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अ चैनल अगेन। सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी जर्मनी में एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जर्मनी के बारे में क्या अच्छा लगता है, मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। और सेम ऐसे ही विकास करेगा, वो बताएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और उन्हें क्या बुरा लगता है। यस, सिमरन तो ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 ईयर्स हो चुके हैं और मुझे भी 9 साल पूरे होने वाले हैं जर्मनी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, 9 साल तो बहुत ही ज़्यादा होता है किसी एक जगह पर रहने के लिए। एंड ऐसे ही तो हम इस वीडियो से जानेंगे कि एक पर्सन जो ऑलरेडी 1.5 ईयर से कहीं रह रहा है, उसके लिए क्या सही चीज़ है, क्या ख़राब है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है उस जगह पर रहना। एंड सेम मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। तो हम आपको पहले बता दें कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें ऐसा लगता है, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और मैं एक एनवायरनमेंट स्टूडेंट भी थी, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सही लगती है बात कि यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। और सेकेंडली एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सही है। मतलब आप अपना जो वेस्ट है उसे सेग्रीगेट करते हैं प्रॉपरली और वो अच्छी तरीके से डिस्कार्ड होता है। तो जैसा कि सिमरन ने बोला कि इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में मैं बस कुछ ऐड पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज मेरा भी ये बहुत एक मुझे जो बहुत पसंद है यहाँ पर, यहाँ का इन्वायरमेंट बेसिकली, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत साफ़ सुथरा है, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पौधे बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं। आप इनके घरों में देखिए, बाहर देखिए, हर जगह इनके हर जगह ही पौधे रहेंगे। आप इवन मेरे आसपास भी देख रहे होंगे, पीछे भी बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, पूरा पहाड़ पेड़ों से ढका हुआ है, चारों तरफ वही नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की दुनिया के लिए, आई थिंक हम नॉट ओनली जर्मनी, इंडिया सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वेस्ट मैनेजमेंट आई विल से। तो वो कहीं ना कहीं उसमें जर्मनी काफ़ी आगे है, बहुत आगे है आई विल से। यहाँ पर हर कुछ कूड़े का एक प्रॉपर कलर वाइज सेग्रीगेशन है। आप देख सकते हैं ग्रे डस्टबिन होंगे, ब्लैक डस्टबिन होंगे, आपके पास ग्रीन डस्टबिन है। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर एक अलग अलग डस्टबिन है जो आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। आप राट हाउस आएंगे जो यहाँ का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड देते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। जब मैं आई थी यहाँ पे तो उन्होंने पहले ही बैग्स मुझे पकड़ा दिए थे राट हाउस में, जहाँ पे आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। आई थिंक वो रिसाइकलिंग बैग था, राइट? येलो बैग। यस, तो ये जो जिस बैग के बारे में बात करिए, वो येलो बिन में नॉर्मली हम रिसाइकल्ड जो वेस्ट होता है उसको डालते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे दो एनवायरनमेंट के रिलेटेड, आई एम श्योर ये तो विकास को भी अच्छे लगते होंगे और सबको ही अच्छे लगते होंगे। तो इनके अलावा विकास आपको क्या अच्छे लगते हैं? अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे यहाँ पर एक तो वर्क लाइफ बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आपको एक टाइम के बाद आपको अपनी पर्सनल लाइफ जीने का भी वो मिलता है, टाइम मिलता है आई विल से, नॉट ओनली फॉर सैटरडे संडे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे भी अगर आप काम करते हैं तो आप मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट करके आप 5 o'clock अपना लैपटॉप बंद करके अपनी फैमिली के साथ गार्डन में, स्ट्रीट्स में वॉक कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी पसंद आया यहाँ पर। दूसरा जो मैं पॉइंट बोलूँगा, आई थिंक रेडी टू ट्रैवल रहेगा मैं बोलूँगा, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो जर्मनी काफ़ी यूरोप के सेंटर में आता है। अब अगर आप राइट में चले जाइए जर्मनी के, अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ सामने मेरे जर्मनी है, तो अगर राइट में चले जाएँ तो आपको चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, नीचे की तरफ आपको स्विट्ज़रलैंड मिल जाएगा। आप साइड में लेफ्ट साइड चले जाइए तो आपको नैदरलैंड मिल जाता है, बेल्जियम है, नीचे फ्रांस है। तो आई थिंक ट्रैवल बहुत अच्छा तरीके से आप यूरोप में कर सकते हैं अगर आप यूरोप में ही रहते हैं। ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और कौन सी बात है, आई थिंक दूसरा एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आती है यहाँ पर, कि जो यहाँ के लोग हैं वो फेयर टू द पॉइंट और मुंह पर बात करते हैं। मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा, आई डोंट नो सबने ये एक्सपीरियंस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल बात है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि यहाँ पे जो भी आपको काम करवाना है बहुत इजी गोइंग है। मतलब ऐसा नहीं होता कि टाल दें कि अरे कल आना ये आना, मतलब हर चीज़ का प्रॉपर वे है। टर्मिन आपको टर्मिन मिलती है, मतलब अपॉइंटमेंट काइंड ऑफ कि ऐसे ऐसे आना है, इस टाइमिंग पे आना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ईजी हो जाता है उससे अपना काम करवाना। कि जो अपॉइंटमेंट है वो हर सिटी वाइज डिफरेंस रहता है। आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टुटगार्ट में रहते हैं, कोलोन में रहते हैं, म्यूनिक में रहते हैं, तो आपको शायद अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगे। लेकिन जैसे हम लोग इतनी बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते हैं, हम लोग रहते हैं ऑलमोस्ट मिडिल साइज सिटी में और क्लोज टू कोलोन, सो हमें इतना टाइम नहीं लगता है अपॉइंटमेंट लेने में। तो दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट।
सो जो नेक्स्ट पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट. हर चीज़ मतलब प्रॉपर वे में चलती है, बट वो ट्रैफिक मतलब अगर आपको रूल्स पता है तो आपके लिए अच्छा है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये याद नहीं कर सकती और मैं रूल फॉलो नहीं कर सकती तो आई एम श्योर जैसे कि सिमरन ने बोला कि ट्रैफिक, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिसिप्लिन है रोड्स पे आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है. उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो सब हटा के भी अगर मैं देखूँ नॉर्मली अगर मैं यहाँ कार चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं काफ़ी मतलब ईजिली चला पा रहा हूँ. और ऑब्वियसली इन ऑटोबान आप 300 की स्पीड चला सकते हैं, तो जो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है तो दैट्स व्हाट आई लव आई विल से. तो अभी हमने पूरे एडवांटेज और ऐसी कुछ चीज़ें बात की जिसमें हमें पसंद आई, जो हमें पसंद आती, तो लेट्स टॉक अबाउट कि जो हमें अच्छा नहीं लगा. तो सिमरन से स्टार्ट करते हैं. सिमरन, ऐसा क्या तुम्हें यहाँ पसंद नहीं आता है? तो सबसे पहले मुझे पसंद नहीं आता है वो है जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओ वो आपसे जर्मन में ही बात करते हैं, मतलब कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है. मतलब अगर हम बोलें कि इंग्लिश बोलो तो फिर वो बोल लेता है, बट वो चाहते हैं कि आप जर्मन में ही बात करें. तो या डॉइच इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर मी एंड आई फील लाइक कि कितना मुश्किल है. समहाउ लैंग्वेज तो है, प्रॉब्लम है, मीन्स इंग्लिश नहीं है तो जर्मन है, बट आई थिंक अगर आप लैंग्वेज सीख के आते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको. इट्स गुड टू लिव इन जर्मनी. दूसरा सिमरन, तो मैं भी खुद भी जर्मन सीख के नहीं आया था. मैंने शायद A1 भी नहीं की थी, मेरे को बस एंडस्कुल्डिगुंग आता था, तो जो कि मैं काफ़ी जो एंडस्कुल्डिगुंग है मैं उसको एंडस्कुल्डिगुंग बोलता था, लेकिन आई थिंक तब से लेकर अब तक की मेरी जर्मन में काफ़ी एक्सपोनेंशियल सुधार आया है. तो सिमरन, ये तो सिमरन ने फर्स्ट आपको बताई दिया है, ये तो काफ़ी कॉमन होगा, मुझे लगता है ये सभी के रहेगा. और आई थिंक जो डिसएडवांटेज हम बताने वाले, डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा मैं इनको, बोलूँगा कि जो कमी है, ऑब्वियसली कुछ कमियाँ तो होंगी, अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव तो होगा ही, बिकॉज दुनिया बैलेंस से ही चलती है. तो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड. तो सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे कोई बीमार हो जाए ना तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे पहले जो डॉक्टर है, अगर मतलब वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दवाई देते ही नहीं है. जैसे हमें इंडिया में आदत पड़ी हुई है दवाई खा लो और ठीक हो जाते हैं, एक तरीके से सही भी है, बट हमारे लिए थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कि ऐसा लगता है कोई दवाई नहीं दे रहा है, हमारा दर्द हो रहा है, तो मतलब उसे सीरियस नहीं देते ये लोग. और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है, लाइक आप मतलब जीने मरने वाला सवाल आ गया, तो ये इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ भाई चलो बीमार है बंदा. तो हाँ, ये काफ़ी आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वही मैं जैसे आपको बोला, यहाँ पे हर चीज़ें रूल से होती हैं, एंड रूल क्या कहता है कि आप हर चीज़ में आप दवाइयाँ प्रेफर नहीं कर सकते, मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो दैट्स द रीज़न ये लोग अवॉइड करते हैं. और आप ऑन द काउंटर OTC में भी हर मेडिसिन नहीं खरीद सकते, देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस. लाइक इन इंडिया आई थिंक इट्स ईजी, और इवन मेडिसिन चीप भी है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू जर्मनी. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझे पूछो कि मुझे क्या लगता है, तो आई थिंक फर्स्ट थिंग मुझे लगता है मेरी फैमिली, जिन्हें मैं काफ़ी मिस करता हूँ यहाँ पर. तो मेरे लिए भी है, तो सिमरन के लिए भी है, पर बट आई थिंक समहाउ सिमरन अभी एक साल ही हुआ है आए हुए, तो इतना अभी वो पॉइंट इतना ऊपर नहीं आ रहा है. उसके अलावा आई थिंक सिमरन के दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं, फैमिली तो है ही, और फिर मेरा एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मुझे ना इंडियन खाना खाने की बड़ी, दैट इज आल्सो माय पॉइंट. घर में तो हम बना ही लेते हैं, बट फिर भी ऐसा बटर नान और ये सब तो सब चीज़ें तो घर में नहीं बन पाती है, जो कि इंडिया में ईजिली अवेलेबल थी कि चलो बाहर चलते हैं और खा लेते हैं, और यहाँ पर इतना ईजी नहीं होता है, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है. कुछ चीज़ें हैं जैसे मिल जा, ऐसा नहीं ऐसा मिलती नहीं है, टेस्ट भी नहीं मिलता है, बट टेस्ट वैसा नहीं, ये जो बात है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की बात रहती है, और प्लस ऑप्शंस काफ़ी कम रहते हैं, कम रहता है. मतलब आप चाट पापड़ी खाने नहीं जा सकते हैं, आपको मतलब गोलगप्पे खा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं खा सकते, पर वो इंडिया वाला टेस्ट है. ढूंढना पड़ेगा आपको, जगह जगह जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि ओके कहाँ खा सकते हैं. तो एक फूड और फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक तीसरी, तुम्हें क्या लगता है तीसरा क्या सबसे पेन पॉइंट है? तीसरा मेरे को एक और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है हर चीज़, एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा है, कुछ भी ले लो आप छोटे से छोटा चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो ये बात तो सही है, थोड़ा सा एक्चुअली आफ्टर कोरोना यहाँ पर थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं. पहले नहीं था इतना, बट करेंटली इट्स टू कॉस्टली, चीज़ें बदल गई हैं. एक और काफ़ी वैसा पॉइंट है जो आई थिंक आई डोंट नो सबको सही लगता है नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज देखिए कुछ फिक्स हॉलीडेज़ होती हैं यहाँ पे, और अब जैसे हमें इंडिया भी जाना होता है, प्लस उसी उन्हीं हॉलीडेज़ में हमें कहीं घूमने भी जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उन मेन हॉलीडेज़ में मैं इंडिया जा रहा हूँ, और फिर देन यूरोप में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा यूरोप में ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं कर पा रहा हूँ उन छुट्टियों से. तो एक और ये डिसएडवांटेज है हमारे लिए, बिकॉज़ हमारा घर कहीं और है, और हम रह कहीं और रहे हैं, और पेरेंट्स कहीं और है,
तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने वाली बात हो जाती है कि हमें काफ़ी प्लान करना पड़ जाता है कि हॉलीडेज़ कैसे प्लान करें ताकि हम इंडिया भी जा सकें और घूमने भी जा सकें उन्हीं सेम हॉलीडेज़ में। तो एक ये भी काफ़ी पेन पॉइंट है, बट हाँ ये इतना पेन पॉइंट नहीं है, मैं इसको पेन पॉइंट नहीं बोलूँगा, इसको जैसे ऐसे ही बोलूँगा कि मेरे दिमाग में आ गई और बात मैंने बोल दी। तो हमने आज ऐसा कुछ डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सिमरन कुछ और पॉइंट्स हैं या तुम्हें लगता है कि आज के लिए काफ़ी हैं? आज के लिए काफ़ी हैं। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमें पसंद है और ना पसंद है जर्मनी के बारे में। और आई एम श्योर आप अगर जर्मनी में रहते हैं तो आपके भी कुछ अलग पॉइंट्स होंगे जो कि शायद हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट ना रहे हों बट आपके लिए हो सकते हैं। तो आप उन्हें कमेंट में बता सकते हैं हमें कि वो क्या है। जैसा कि सिमरन ने आपको बताया ऑलरेडी, ये कुछ ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि सबसे सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं और जैसा कि आपने देखा सिमरन के लिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मेरे लिए शायद नहीं है, या सिमरन के लिए जो चीज़ें हैं उसको अच्छी नहीं लगी, फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज हो गई, यहाँ का मेडिकल और वो सिस्टम हो गया जो कि मुझे शायद अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद जब मैं नया नया आया था तो मेरे लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे इतना साल रहने के बाद। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है इसके लिए, तो आई थिंक आई एम श्योर कि आपका भी अलग हो सकता है। जैसा सिमरन ने आपको बताया, आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय बाय।